ਪਟਿਆੜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈਪਰ ਮੋਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਕੇ ਪੂਰੇ ਟੈਂਕ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ M50 ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਫਾ 1 ਬ੍ਰਾਓ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਕੀ ਗਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ BMP ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਮੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਇਧਰ ਦਿਖਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੌਨ ਸਾ ਟੈਂਕ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ M50 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸ ਓਬਸਟੈਕਲ ਕੋ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜੈਸੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ ਹਮੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਟੈਂਕ ਰਾਸਤੇ ਮੇ ਸੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਤਬ ਹਮ ਇਸਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕਿ 54 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਾਲੇ ਕੈਨਾਲ ਕੋ ਹਮ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇੱਕ 13.5 ਮੀਟਰ ਕਾ ਇੱਕ ਸਪਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ 4 ਸਪਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ, ਔਰ 54 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਹਮ ਟੈਂਕ 50 ਲੋਡ ਕਲਾਸ 50 ਟਨ ਤੱਕ ਕੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਕੋ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਆ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮ ਜੈਸੇ ਇਸ ਪੇ ਉੱਪਰ ਸੇ 5000 ਪਾਸਿਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ 50 ਟਨ ਕੀ ਗਾੜੀ ਹੋਂ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕ ਕੋਲ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ 19S ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ ਲੜਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਆਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਂਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਹਮ ਨਾਈਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ CVR ਪ੍ਰੋਪਰਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੇਜ਼ਰ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। सर ऐसा है कि जब वॉर होती है तो कैजुअल्टी होती है, कैजुअल्टी होती है तो सर हमारे पास जो है कैजुअल्टी आती है, तो उसमें जो सर कुछ ऐसी कैजुअल्टी होती है जिसमें लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग के लिए हमें तुरंत उनके लिए कोई मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ के लिए हमने ये OT बना रखी है सर कि हम वहाँ पर तुरंत जो है बंदे को लाइफ सेविंग या उसका जो लिम्ब है उसकी सेविंग के लिए तुरंत ऑपरेशन करते हैं सर। तो ऑपरेशन के दौरान यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन, क्रैश कार्ट सक्शन, और ये पैरम मल्टी पैरा मोनीटर, और सर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और OT का सर ये टेबल, और एक एनेस्थेटिक एक सर्जन हमारे पास होता है लड़ाई के दौरान यहाँ पे, क्योंकि सर यहाँ ऑपरेशन चलते हैं एक दिन में 10 से 12 ऑपरेशन हम कर सकते हैं इसके अंदर, और साहब जो है ये वहाँ लड़ाई में पहुँचने के बाद 6 घंटे में ये तुरंत अपना काम करना शुरू कर देती है सर। Thank you.
सिविलियन या फौजी इनको ये ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, ये खासकर लड़ाई के दौरान जैसे बाहर ही मिलती है उनको, ये देखो सबको मौका नहीं मिलता है ये सब, इतना सारी चीज़ जो टैंक वगैरह लगी हुई है जितना सब लगी हुई है तो वगैरह ये सब देखने के लिए सब सिविलियन को मौका नहीं मिलता, मगर ये पहली बार मौका मिल रहा है एक मेला लगी हुई है जहाँ हमने ये इसका लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। खासकर ये लड़ाई के दौरान ये सब अपनी अपनी जैसे अलग अलग होते हैं, कोई आर्मड का होता है, कोई सिग्नल का होता है, कोई एमी का होता है, इनका काम सब अलग अलग होता है। ये हमारा मेन मोटो है कि आर्मी को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, तो हम क्या करते हैं जैसे लड़ाई के दौरान ये टैंक वगैरह सब आगे चली जाती है रोड लड़ाई में, तो हम इनके पीछे इनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा ये मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसका मेन नाम है मिंट, मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्किंग टर्मिनल। ये काम की इसका काम ये है कि हम जवान को जैसे लड़ाई के दौरान जवान को वॉयस डाटा सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लड़ाई में ये ज़रूरत किस लिए पड़ती है, इसका ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे लड़ाई के दौरान क्या हमारा इम्प्रूवमेंट है, लड़ाई में क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ वो अपनी हेडक्वार्टर से अपनी यूनिट से वो सब मंगा सकते हैं। उसकी जो मीडिया है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे जैसे इसको पढ़ते हैं RRF रेडियो मिले, इसका रेंज होता है 20 से 25 किलोमीटर दूर तक, तो जैसे ही हमारा रेंज खत्म हो जाता है हम इसको क्या ना और एक RRF दो लगा के इसको रिपीटर बना के फिर इनको मतलब ना आगे एक्सटेंड करके कोई एक्सचेंज के साथ हम थ्रू हो जाते हैं, फिर हमारा कम्युनिकेशन चलती रहती है। और ये हमारा ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसके साथ चलती है, जैसे हमारा इक्विपमेंट वगैरह इसके अंदर भी लगे हुए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। बाहर से हम डायरेक्ट हमारा हेडक्वार्टर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिखा सकते हैं कि एरिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ हम उधर दिखा सकते हैं। हमारा मेन मोटो है हम वॉयस डाटा ये सारी चीज़ आर्मी को प्रोवाइड करते हैं लड़ाई के टाइम पर, ये गाड़ी का मेन उद्देश्य है। कोई मोबाइल टाइप का कम्युनिकेशन लगी हुई है उसका रेंज होता है 25 से 30 किलोमीटर तक। कम्युनिकेशन सारा हाँ ये बोट है, जैसे कि हम किसी नाली में कैनाल में हमारा ऑब्स्टिकल मिल गया तो पहले हम इस बोट की मदद से पानी का करंट चेक करके फोर नॉट तक अगर करंट होगा तभी हम ये ब्रिज लॉन्च करते हैं, अदरवाइज ये लॉन्च करते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी दुबई ग्लोबल अचीवर अवार्ड नाल सम्मानित आईपीएमटी यूनिवर्सिटी अते पीटीयू तो मानता प्राप्त 10वीं अते प्लस 2 तो बाद ओटी डीएमएलटी एक्सरे ऑप्थलेमिक असिस्टेंट ईसीजी फिजियोथेरेपी डिप्लोमे इथे कंप्यूटराइज्ड लैब ऑपरेशन थिएटर एक्सरे प्लांट ईसीजी मशीन आई टेस्टिंग अते चश्मे बनाउण दीआं मशीनां भी मौजूद हन हॉस्टल विच खाने दा खास प्रबंध अज ही संपर्क करो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी मेन रोड फैक्ट्री एरिया नेड़े शिव मंदिर पटियाला।